हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिमिटलेस क्रिएशंस बाय मौसमी। आज हम रामरोचक बनाने जा रहे हैं। ये बारीपदा का एक प्रसिद्ध सब्जी है जो कि मंदिर में भोग में लगता है। ये बिना प्याज लहसुन का होता है, तो आप दिवाली में ये बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। इसके लिए हमें चाहिए कच्चा केला, बैंगन, आलू और पम्पकिन। मसाले के लिए चाहिए 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, उसको हम भिगो देंगे थोड़ी देर पहले, क्योंकि वो भिगोने से अच्छे से पीस जाता है, और 1 इंच अदरक। हम मूंग दाल को, साबुत मूंग दाल जो होता है ग्रीन कलर का, उसको हम रात भर भिगो कर रखे थे। रात भर भिगो के रखना जरूरी है, और सुबह हम उसको पीस लिए ग्राइंडर में, और उसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और हींग पाउडर, हींग पाउडर मिलाना भूलिएगा मत। हींग पाउडर मिलाकर अच्छे से फेंट लेंगे और इसको हम रख देंगे, बाद में यूज करेंगे। देखिए, अब हम मसाले को पीस लेंगे, फाइन पेस्ट कर देंगे मसाला का। कढ़ाई में अभी 30 ml हम ऑयल लेंगे। छौंक लगाने के लिए 5 से 6 काली मिर्च, दालचीनी, बिग इलायची, जीरा और हींग पाउडर डालकर हम छौंक लगाएंगे। अभी हम पिसा हुआ मसाला को इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा कलर लाने के लिए चिली पाउडर डालेंगे, उसको अच्छे से मिला देंगे। 5 मिनट के बाद हमारा मसाला थोड़ा सा रेडी हो जाएगा। देखिए, अभी उसको थोड़ा हम इधर उधर कर देंगे। अभी देखिए, मसाला रेडी हो गया है। अभी हम इसमें जो सब्जी है हमारा, बैंगन, पम्पकिन, आलू और रो बनाना, कंचा कदोड़ी, उसको डालेंगे। हल्दी और नमक स्वाद अनुसार देंगे। उसको अच्छे से मिलाकर रख देंगे, हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये ओडिशा बारीपदा का बहुत ही प्रसिद्ध सब्जी है। ये वहाँ पर जो अंबिका मंदिर है उसमें भोग चढ़ता है, बिना प्याज लहसुन का होता है, इसीलिए आप लोग इसे बना के खाइए दिवाली में, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम और एक कढ़ाई में तेल लेंगे, और जो पिसा हुआ मूंग का दाल था उसको हम छान लेंगे। देखिए, ऐसा रहेगा आपका वॉल्यूम, और उसको हम तेल में गोल गोल करके छोटा छोटा बॉल के साइज में छानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग दिवाली में क्या करने वाले हैं? आप लोग बहुत एंजॉय कीजिएगा और थोड़ा सा सेफ रहिएगा लाइट से और बम से, सेफ रहकर एंजॉय कीजिए। और क्या क्या एंजॉय किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिएगा।
देखिए हमारा सब्जी अभी तैयार हो गया है, मसाले के साथ वो घुल मिल गया है। उसको थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, बॉईल भी हो गया है सब्जी। अभी हम इसमें पानी डालेंगे, पानी याद रहे गरम पानी ही डालिएगा। पानी को थोड़ा गरम कर दीजिए, फिर उसमें डाल दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालिएगा, क्योंकि हम इसमें वो जो बड़ा डालने वाले हैं वो पानी को एब्जर्ब कर लेता है। अभी हम उसको थोड़ा बॉयल होने देंगे। देखिए हमारा पानी अभी बॉयल हो गया है, अभी हम इसमें बड़ा को डालेंगे और फिर से 2-3 मिनट के लिए उबालेंगे। जैसे पानी बड़ा के अंदर चला जाए, ये बड़ा बहुत ही सॉफ्ट होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको दौड़ा खिचड़ी जो मैंने दिया हुआ है मेरे चैनल में है, उसी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी होगा। देखिए हमारा रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।